वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू एपिसोड 7 ऑफ कैनेडा सीरीज। सो ये रे पापा पापा हेलो कर लो। तो आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, आज गुरपुरब है। सो गुरुद्वारे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे गुरुद्वारे में, एंड देन वी विल गो टू सम अदर प्लेसेस टू विजिट। सो आज का प्लान थोड़ा वैसे ही है। सो वी विल गो, फर्स्ट वी विल गो टू गुरुद्वारा, देन वील सी वेयर टू गो एंड वी विल मीट यू देयर। फाइन, सो मिलते हैं आपसे। चल रहे हैं गुरुद्वारे की ओर एंड न्यू व्लॉगर से मुलाकात करा देती हूँ आपकी। यहाँ धूप बड़ी है यार, बहुत धूप है। वैसे तो बारिश वाला मौसम हो जाता है अभी तक, बट यहाँ पर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं। तो हम टैक्सी में बैठ चुके हैं, ये नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब जानते हैं रामदास जी का गुरुपुरब है, और हम लोग सबसे पहले आज सुबह गुरुद्वारे जा रहे हैं। सरिका गुरुद्वारा है पास में ही है, हम वहाँ के लिए निकले हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको आज का क्या शेड्यूल है, तो आपको भी गुरुद्वारे लेके चलते हैं। गुरुद्वारे बाहर से पहले खुला दिखाना। And then
टैक्सी के लिए, लेकिन मीनवाइल मैंने देखा यहाँ बिल्कुल गुरुद्वारे के ऑपोजिट साइड सिख एकेडमी स्कूल है बच्चों का, और यहाँ पे ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, और आप मानेंगे नहीं, बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख के मेरा भी दिल कर आया है कि अंदर जाके मैं भी इनके साथ बास्केटबॉल खेलूँ। बचपन की अपनी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ पे देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को तो एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक इनका प्ले का पीरियड चल रहा होगा, गेम्स का पीरियड, जैसे हमारे टाइम में भी जैसे ही गेम्स के पीरियड की बेल बजती थी हम भाग के प्लेग्राउंड में आते थे, हम लोग वेट करते थे कब गेम्स का पीरियड हो और हम जल्दी से क्लासरूम से निकल कर ग्राउंड की ओर भागे। सेम सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम कहते हैं हम कब बड़े होंगे, कब कॉलेज जाएंगे, स्कूल से छुट्टी मिलेगी, लेकिन जब हम बड़े होके हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और दुनिया की सारी टेंशन्स होती हैं, तब ये वाले टाइम को हम याद करते हैं। बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है, ये टाइम सबसे लाइफ का बेस्ट टाइम होता है जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे ग्रुप्स बना के, गर्ल्स एंड बॉयज, हम चिकलेट्स खेलते थे। अरे आगे टैब आ गया।